शादी के पहले सेक्स करना सही या गलत, इसके बारे में आज बात करूंगा। आज अभी जमाना बदल गया है, डेटिंग बहुत कॉमन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की इश्यूज बहुत ही कॉमन है, ब्रेकअप्स कॉमन है, फटाफट रिश्ते भी फटाफट जुड़ जाते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि अट्रैक्शन जो है वो मेनली बिकॉज ऑफ द अपोजिट सेक्स है, कि अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाना और वहाँ फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंडल्ज करना। एक्चुअली वहाँ लव या कुछ रिश्ता बनाना है या लॉन्ग टर्म कोई रिश्ते बनाना है, ऐसा कोई लोगों के दिमाग में रहता नहीं है। उनको चाहिए कि अभी अभी क्या, राइट नाउ क्या करना है। तो लोग अभी, मतलब आपके पास में गर्लफ्रेंड नहीं है तो आपको पुराना व्यक्ति माना जाएगा, ओल्डी माना जाएगा या पुराने ज़माने का माना जाएगा। गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, तो लोग पूछे अरे बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर जब पास में आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो सेक्सुअल अट्रैक्शन और बढ़ने वाला है और सेक्स में इंडल्ज करने वाले हैं। जब स्पेशली अकेले मिलते हैं दोनों, ऐसी जगह मिलते हैं कि जहाँ बिल्कुल ही कोई पब्लिक नहीं है, वो कहीं एकदम वीरान जंगल हो या खेती हो या बगीचा हो या कोई बंगला हो, तो फिर इसमें होता क्या है कि सेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस समय क्या होता है कि झूठा आश्वासन दिया जाता है और झूठा आश्वासन दे के मैं तुम्हारे से शादी करने वाला हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बोल के फिर सेक्स हो जाता है। तो फिर इसमें गलत है कि नहीं है, यह सही है कि गलत है, ये देखना पड़ेगा। देखो, रिलेशनशिप में यदि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कमिटेड है दोनों एक दूसरे के प्रति, उनको शादी करना है, मालूम ही है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर सेक्स करने में कोई इशू नहीं है, गलत क्या उसमें। मगर यदि कमिटमेंट नहीं है और सिर्फ कुछ समय के लिए साथ में आए हुए हैं, तो फिर सेक्स करना और सेक्स करने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस या जो प्रॉब्लम्स तैयार होने वाले उनको फेस करना, तो फिर गलत हो सकता है। देखो, सीधा कोई बोलता नहीं है, कोई लड़का ऐसा बोलेगा नहीं लड़की को, देखो मुझे ना आपसे सेक्स करना है और मैं ऐसे ही बस टाइम पास करेंगे हम कुछ समय के लिए और हम अलग हो सकते हैं, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है, मतलब साथ में रहेंगे, तो ऐसा कोई बोलता नहीं है सीधा, वो झूठा ही बोलता है। और लड़कियां फिर उसको बलि पड़ जाती है और फिर बोलती कि हाँ ये तो शादी करेगा, प्यार करेगा, मेरी अच्छी अच्छी ज़िंदगी होंगी, ये ला के देंगे, वो ला के देंगे। वो लड़का झूठा भी बोलता है और वो झूठे आश्वासन दे के फिर उसको फंसा लेता है। यदि प्लान सेक्स नहीं है तो चांसेस ये है कि सेफ्टी मेजर लिए नहीं जाएंगे। कंडोम लगाना बहुत जरूरी है, एक नहीं दो कंडोम लगाना जरूरी है, एक कंडोम फट सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि यदि आपकी पार्टनर जो है वो यदि एकदम अननोन है, मालूम नहीं है, तो क्या उसको एसटीडी है क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है क्या, हो सकता है कि ओंठ किसिंग करते हैं तो ओंठ से वो ट्रांसमिट हो सकता है, यदि यहाँ अल्सर है, खून है या ऐसा कुछ हो गया तो वहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है, तो उसने वो आपको मालूम नहीं है, प्रिकॉशनरी मेजर लिए नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रिकॉशनरी मेजर लेना, सेफ्टी मेजर्स लेना, वो बहुत जरूरी है। और एक्चुअली लव है क्या, कि सिर्फ डेटिंग करना है, मजे करना है, चले जाना है, ऐसा है क्या? और ऐसा है तो फिर सेक्स करना नहीं चाहिए। कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लोगों को आजकल शादी नहीं होना, साथ में रहना है, सेक्स करना है, बच्चे नहीं पैदा करना है, ठीक है कुछ जम गया, कुछ समय तक ऐसा लगा कि ठीक है जम सकता है तो भी शादी करेंगे, नहीं जमा तो अलग हो जाएंगे, तो उसमें तो सेक्स होगा ही होगा क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में सेक्स होता ही है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मगर यदि कमिटमेंट नहीं है तो मेरा ऐसा विचार है कि सेक्स होना नहीं चाहिए, वो गलत है। इसमें लड़कियां बलि पड़ जाती है, मालूम नहीं रहता है, कभी कभी लड़का बोलता है कि मैं मेरे शादीशुदा भी है समझो, ऐसे काफ़ी किस्से हमको पेपर में अखबार में पढ़ने मिलते हैं कि शादीशुदा व्यक्ति है, वो आश्वासन देता है कि नहीं मेरे बीबी को मैं छोड़ने वाला हूँ, ऐसा बोल के इसको फंसाता है, घुमाता है, सेक्स करता है और बाद में छोड़ देता है। तो ऐसी भी कहानियाँ हमने सुनी हुई है और वो असल है, सिर्फ कहानी नहीं है। तो लड़कियों ने स्पेशली इसमें ध्यान देना चाहिए और बिना कमिटमेंट का सेक्स नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।